बस इतनी थी कहानी हमारे जागने की। एक मोबाइल था जो सिरहाने बैठा हुआ था इस आस में कि हम नींद से उठेंगे और शुरू करेंगे उसकी बदन पर अपनी उंगलियां फेरना। एक पंखा था जो नॉन लिविंग होते हुए भी बस गोल गोल घूमे जा रहा था ताकि हमारे नींद में कोई अड़चन ना आ जाए। एक मादा मच्छर थी जो हमारे हाथों का स्पर्श अपने बदन पर पाने खातिर अपने प्रेमी मेल मॉस्किटो से तलाक का बिगुल फूंक चुकी थी। एक हमारे घर की पालतू बिल्ली थी जो सबसे बड़ा आलसी का खिताब जीतने खातिर ओपोनेंट बन सीधे सीधे रणभूमि में हमारे सामने उतर चुकी थी। इंस्टाग्राम रील्स थे, फेसबुक के मीम्स थे और व्हाट्सएप के स्टेटस थे जो हमें चीख चीख के बुला रहे थे। और एक हमारा शरीर था जो नींद की गहराइयों में गोता लगाने में मशगूल था। हम नींद से जाग सकते थे पर किसके लिए? हमारा मनपसंद खाना, बकैतियाँ, शतरंज का खेल सब हमसे छूट रहा था। पर उठ के करते भी तो क्या? सोते हुए सपनों की दुनिया में हैप्पी एंडिंग का लुत्फ उठाते या फिर नींद भंग करके वहीं मनहूसियत भरा वेलकम बैक टू रियलिटी वाला जीवन जीते? पर साला उठे कौन? जब सो के ही परम सुख मिल जाए तो कौन मेहनत करके शरीर थकाए? वैसे एक लड़की है जो रोज हमसे हमारे सपनों में जीवन की गतिविधियों का ब्यौरा लेती है। अगर वो एक बार रियलिटी में प्यार से राजा जी कह दे तो महादेव कसम हम फिर से खड़े होंगे एक नई ऊर्जा के साथ मुंबई इंडियंस की तरह दुनिया बदलने को।